हेलो दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में बात करने वाला है इग्नू के फ्रेश एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट के एक्सटेंशन को लेकर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है आज लास्ट डेट है, ये डेट एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी, और इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट ये है जो कि जुलाई 2020 सेशन में जो भी स्टूडेंट प्रमोट हुए हैं उनके लिए री रजिस्ट्रेशन करना कितना इंपॉर्टेंट है अगर उन्होंने नहीं किया है। तो दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट और वीडियो इग्नू से आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है फ्रेश एडमिशन चल रहा है जनवरी 2022 सेशन का, सभी प्रोग्राम्स के लिए आज लास्ट डेट है 21 फेब है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 21 फेब की लास्ट डेट यहां पे दिखा रही है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके कई रीजन की वजह से वो जो है रजिस्ट्रेशन तो करके रखते हैं लेकिन अभी जो है पेमेंट नहीं कर पाते, या फिर किसी बिजी शेड्यूल में रहते हैं जिस जो कि एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तो वो सभी पूछते हैं कि भाई लास्ट डेट एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी। बहुत सारे मार्कशीट का इशू रहता है, सर्टिफिकेट वगैरह का इशू रहता है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट को अभी एश्योर कर दूं, सभी स्टूडेंट को बता दूं, अभी जो है लास्ट डेट जो आज है वो एक बार और एक्सटेंड होगी। ठीक है, अभी तो एक्सटेंड होगी, अभी कितनी बार एक्सटेंड होगी आप खुद ही भूल जाओगे, खैर ये अलग की बात है। लेकिन अगर आज तक अपना एडमिशन करना चाहते हो तो करिए, नहीं तो अगर कोई भी इशू है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी ये लास्ट डेट और भी एक्सटेंड होगी। हाँ, एक चीज़ का ये ध्यान रखिए, जो सर्टिफिकेट और जो है सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है, हो सकता है मे बी चांसेस अभी जो है ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि उन प्रोग्राम्स को धीरे धीरे अभी ये जो है इग्नू सोच रही होगी कि बंद कर दिया जाए, क्योंकि सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम और सर्टिफिकेट प्रोग्राम का 6 मंथ में एग्ज़ाम होते हैं, उनको क्लोज करने के बाद उनकी स्टडी मटेरियल वगैरह हो गया बाकी और सारे प्रोसेस में लाया जाता है ताकि स्टूडेंट को परेशानी ना हो। तो अगर आप सर्टिफिकेट और सेमेस्टर वाइज के स्टूडेंट हैं जिनमें एडमिशन लेना चाहते हैं इन सभी प्रोग्राम्स में, तो आप जल्द से जल्द करिए, लेट मत करिएगा। ठीक है, हालांकि अभी एक बार और एक्सटेंड होगी फरवरी तक पूरा, उसके बाद ही ये डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं। यही सेम है इशू जो है ऑनलाइन, टोटली ऑनलाइन वाले प्रोग्राम्स में, इसमें लगभग अभी ये जो सारे प्रोग्राम्स है ये देख पा रहे हो कई सारे प्रोग्राम ऐड किए गए हैं, इनके लिए भी यही कंडीशन है, अभी डेट एक्सटेंड होगी क्योंकि लेटेस्ट बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं ऑनलाइन वाले में भी और जो है इसमें भी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है 101% ये डेट एक्सटेंड होने की। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि री रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मिस मत किया करिए, चाहे आप नए एग्ज़ाम आप लेट दो, असाइनमेंट बाद में सबमिट करो, लेकिन आप टाइमली अगर री रजिस्ट्रेशन करके रखते हैं तो आपको ना तो असाइनमेंट जमा करने में प्रॉब्लम आएगी, ना तो एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम आएगी। इवन जब लास्ट डेट आपकी जो हो जाती है, मैक्सिमम ड्यूरेशन हो जाती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये होते हैं कि उन्होंने फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन लिया है, सेकंड ईयर में नहीं लिया है, या फिर सेकंड ईयर में लिया है, थर्ड ईयर में जो है उनका लास्ट डेट आ चुका है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो इसके लिए यही है कि अपना आप रजिस्ट्रेशन करके रखो, अपने बिजी शेड्यूल में इतना समय निकालो को अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करके रखो, अदरवाइज 6 मंथ का लॉस होता है। ठीक है, और आपका सेशन भी चेंज हो जाता है, वो आपके जो है बिजी शेड्यूल के अकॉर्डिंग भी नहीं हो सकता है, तो ये ऐसे सारी चीज़ें आपको फेस करने को मिलेगी। इग्नू में ये रहता है कि जब आप नेक्स्ट यानी कि फर्स्ट ईयर के से एग्ज़ाम से पहले ही आपको सेकेंड ईयर या जो है थर्ड जो है सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स पहले जो है आपके थर्ड ईयर में ऐसे रजिस्ट्रेशन होता है, एक साल पहले एग्ज़ाम से पहले फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम से पहले आपको सेकेंड ईयर में रजिस्ट्रेशन कर लेना पड़ता है। अगर बैचलर डिग्री के प्रोग्राम है थर्ड ईयर में एग्ज़ाम से पहले जो है सेकेंड ईयर में रजिस्ट्रेशन कर लेना होता है, तो ये आपका चलता रहता है हर 6 मंथ में, तो इसको आप बिल्कुल मिस मत करें। अब बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो जुलाई 2020 में प्रमोशन हुआ था, सेकेंड प्रमोशन जिसमें केवल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को प्रमोशन दिया गया है, तो वो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट जो पहली बार प्रमोशन मिला था जुलाई 2021 सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को दोनों को प्रमोट किया गया था, बैचलर वालों का ही ज़्यादा बेनिफिट था और सेमेस्टर वाइज स्टूडेंट का, उनको तो 1 से 5 सेमेस्टर तक प्रमोट किया गया था जुलाई में, और फर्स्ट ईयर का प्रमोशन मिला था मास्टर डिग्री प्रोग्राम, क्योंकि मास्टर डिग्री प्रोग्राम 2 ही साल की होती है, आपको पता होगा। ठीक है, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट उन्होंने नेक्स्ट ईयर सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। प्रमोशन दिया जाता है तो आपको नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस के बेस पे दिया जाता है। अगर आप जब नेक्स्ट ईयर में रजिस्टर्ड ही नहीं होंगे, उसका एग्ज़ाम ही नहीं देंगे, तो फर्स्ट ईयर के आपके मार्क्स कैसे लगेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट रिपोर्ट करते हैं, ईमेल करते हैं और कमेंट में पूछते हैं कि प्रमोशन के मार्क्स नहीं लगे, तो मार्क्स कैसे लगेंगे? मार्क्स लगेंगे आपके नेक्स्ट ईयर के परफॉर्मेंस के बेस पर, और हर एक कंडीशन में दोनों ही प्रमोशन में जो है आपको पता होगा कि असाइनमेंट और प्रैक्टिकल कंपलसरी हैं, असाइनमेंट देना है, आपको प्रैक्टिकल भी अटेंड करने हैं। तो आप ध्यान रखिए, जो भी जुलाई 2022 का प्रमोशन हुआ है
जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये प्रमोशन की गाइडलाइन है, उसमें क्या है आपको नेक्स्ट ईयर के परफॉर्मेंस के बेस पे आपका मार्क्स लगेगा। जब तक आप नेक्स्ट ईयर सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन ही नहीं करेंगे, उसका एग्ज़ाम ही नहीं देंगे, असाइनमेंट ही नहीं जमा कराएंगे, तो उसमें जो है नॉट कम्प्लीट रहेगा, तो फर्स्ट ईयर के भी मार्क्स नहीं लगेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, नेक्स्ट ईयर सेमेस्टर में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं अपना रजिस्ट्रेशन री रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट ईयर सेमेस्टर में ज़रूर कर लें, बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। तो ये अब काफ़ी इंपॉर्टेंट था प्रमोशन के लिहाज से भी, और आपका जो है 6 मंथ का समय भी बचेगा। तो काफ़ी जो है स्टूडेंट इसे समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।